गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हम इस समय पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस। मैंने आपको तीनों इनहेरिटेंस पढ़ा दिया, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और दो इनहेरिटेंस हम आगे पढ़ेंगे जब इंटरफेसिस को पढ़ेंगे। दो कौन से स्टूडेंट इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम आगे पढ़ेंगे। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। आपने सी प्लस प्लस में भी मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, लेकिन जावा में क्या डिफरेंस है, क्या यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के लिए, आज हम जानेंगे। और एग्रीगेशन भी मैंने जावा में आपको कल प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों ने चलाया होगा शायद, प्रैक्टिस करिएगा जिन लोगों ने नहीं चलाया है। आज मैं बात करने वाला हूँ मेथड ओवरलोडिंग की। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग सबसे पहले क्या है मैं आपको समझा दूं। इफ़ ए क्लास हैज मल्टीपल मेथड, एक क्लास जब मल्टीपल एक से अधिक मेथड को रखती है तो वो कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। हैविंग द सेम नेम, और सेम नेम भी होते हैं बट डिफरेंट द पैरामीटर, पैरामीटर उसके अलग अलग होते हैं, इट इज नाउ एज द मेथड ओवरलोडिंग। यानी कि एक क्लास के अंदर सेम नेम के जब एक से अधिक मेथड क्रिएट किए जाते हैं तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। उनके पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। इफ वी हैव टू परफॉर्म द ओनली वंस ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ओनली वंस, हैविंग द सेम नेम ऑफ द मेथड इंक्रीजेस द रीडबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये रीडबिलिटी, प्रोग्राम की रीडबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। सपोज यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन, मुझे क्या परफॉर्म करना है, एडिशन ऑफ द गिवन नंबर, बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। इफ़ यू राइट द मेथड सच एज इन, और टू पैरामीटर हम ले सकते हैं, किसी में थ्री पैरामीटर ले सकते हैं, दोनों नेम सेम होगा, नेम इसमें भी ए और बी है जैसे, तो इसको नेम हम सेम कर सकते हैं लेकिन पैरामीटर डिफरेंस हो सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है इसमें, ए और एंड बी फॉर द थ्री पैरामीटर देन द मे बी डिफिकल्ट यू कैन एज वेल अदर प्रोग्रामर यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मेथड बिकॉज द नेम एंड डिफरेंस। जब पैरामीटर अलग अलग हैं, नेम अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टी जाती है, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग का यूज किया जाता है। नेम सेम हो, पैरामीटर डिफरेंस हो, सो वी परफॉर्म द मेथड ओवरलोडिंग। और इसके क्या एडवांटेज हैं, मेन एडवांटेज आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में स्टूडेंट्स, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है, रीडबिलिटी को इंक्रीज करता है। डिफरेंस वे आप मेथड ओवरलोडिंग कई तरीके से हो सकती है। जावा में बेसिकली टू टाइप से हम मेथड ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जैसा कि मैंने समझाया, आर्गुमेंट को चेंज करके हम इसको मेथड ओवरलोडिंग को यूज कर सकते हैं। यानी कि क्लास के अंदर मेथड नेम सेम हो सकते हैं लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में तीन रख सकते हैं, किसी में दो रख सकते हैं। बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, डेटा टाइप चेंज करके भी मेथड ओवरलोडिंग की जा सकती है। नेम सेम हो, आर्गुमेंट सेम हो लेकिन उनका डेटा टाइप चेंज हो, यानी कि नेम सेम है, आर्गुमेंट भी दो है लेकिन एक मेथड में हम इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं, दूसरे में फ्लोट लिए हैं, तो भी मेथड ओवरलोडिंग हो सकती है। लेकिन एक नोट्स लगाइएगा अपने कॉपी में, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इस बात को कि ये जो मेथड आपने C++ में पढ़ा होगा, रिटर्न टाइप चेंज करके भी हम मेथड ओवरलोडिंग C++ में कर सकते हैं, लेकिन इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय द चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। यदि मैं चाहूं कि मेथड का ओनली रिटर्न टाइप चेंज कर दूं और ओवरलोडिंग कर दूं, यानी कि रिटर्न टाइप फ्लोट या इंटीजर कर दूं, पैरामीटर सेम रहे, मेथड सेम रहे, तो ये संभव नहीं है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जावा में रिटर्न टाइप को चेंज करके ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती है। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड ओनली। ओके, हमको कहीं ना कहीं आर्गुमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर कहीं ना कहीं हमको डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करना होगा। अब सबसे पहली बात हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर को अलग करके एक एग्जांपल मैं बना देता हूं और आपको समझा देता हूं, पैरामीटर अलग करके बहुत सिंपल एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए।
एक क्लास बना है एडर नाम की, यहाँ पे स्टैटिक मेथड लिया है, स्टैटिक इंट ऐड नाम का एक मेथड बनाया हमने, दोनों को बना लेंगे हम, एक नॉर्मल मेथड भी क्रिएट करेंगे एक स्टैटिक, दोनों के एग्जांपल में बता देता हूँ। और ये रिटर्न टाइप है, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे ए और बी को प्लस करा के रिटर्न कराया। दूसरा मेथड सेम नाम से लिया, पैरामीटर चेंज किया, यहाँ पे तीन पैरामीटर लिया, डेटा टाइप सेम हुए, रिटर्न किया ए प्लस बी प्लस सी को। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे जो अगली क्लास हमने बनाया टी ओ वी लिया मैंने क्लास का नाम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, और इसके अंदर जो पास किया मैंने सिस्टम डॉट आउट, चूँकि रिटर्न है डायरेक्ट वैल्यू वहाँ से रिटर्न हो कर आएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमने लिया क्लास का एडर है, एडर डॉट मेथड से हम उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और इसमें पैरामीटर ये पास किया। और यहाँ पे दूसरा जो मेथड हम कॉल किया उसमें तीन पैरामीटर पास किए, इसमें हंड्रेड हंड्रेड में पास कर देता हूँ स्टूडेंट, और इसमें भी हंड्रेड हंड्रेड थ्री बार पास कर देता हूँ। अब देखिए इसको कैसे रन करेंगे, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक में हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्टैटिक पढ़ा चुका हूँ। डायरेक्ट क्लास नाम और मेथड को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर इसके बाद विदाउट स्टैटिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन किया, अपने फोल्डर के अंदर गए, सीडी जावा पीआरजी और रन किया जावा सी, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम देते हुए डॉट जावा रन किया मैंने प्रोग्राम को, ये देखिए वैल्यू आपको मिल गई। ये मैंने स्टैटिक का एग्जांपल बताया, बहुत सिंपल एग्जांपल, मेथड ओवरलोडिंग हो रही है क्योंकि मेथड का नाम सेम है, यहाँ भी ऐड नाम का मेथड है, ये भी ऐड नाम का मेथड है, लेकिन बाय चेंजिंग द पैरामीटर, पैरामीटर के आधार पे ये चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे टू पैरामीटर इंटीजर टाइप है, यहाँ पे थ्री पैरामीटर इंटीजर टाइप है। ओके स्टूडेंट, अब मैं स्टैटिक हटा रहा हूँ, देखिए स्टैटिक हटाने से मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा। एग्जांपल आप बना लिए होंगे, शायद बन गया होगा। अब मैं इसी में स्टैटिक हटा करके इसको चेंज कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप सब कुछ सेम रखेगा। अब मुझे लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता होगी स्टूडेंट, कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, एडर क्लास का, और मान लीजिए एस वन मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, इक्वल न्यू और एडर, मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ या एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों को कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस करना होगा, S1 क्या ऐसे में हमारा प्रोग्राम चल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा चुका हूँ, कई स्टेप बता चुका हूँ, मैंने इसको सेव किया, और कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा गेस करिए। कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट एकदम एक्यूरेट, मैंने स्टैटिक हटाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से कॉल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अब मैं यहाँ डायरेक्ट क्लास के माध्यम से कॉल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड नहीं है। यदि स्टैटिक मेथड होता तो डायरेक्ट क्लास नेम और मेथड नेम से मैं उसको कॉल कर देता, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक मेथड नहीं है, ये एक नॉर्मल मेथड है, इसलिए उस क्लास का मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं उस मेथड को क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, कॉल कर सकता हूँ। तो ये मेथड ओवरलोडिंग होगी बाय चेंजिंग पैरामीटर पे आधार पे हुई, इस प्रकार से आप मेथड ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग डेटा टाइप, हम डेटा टाइप को चेंज करके भी यूज कर सकते हैं, मैं प्रोग्राम में चेंज करके आपको दिखा देता हूं कैसे बाय चेंजिंग डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जाओ में, डेटा टाइप को चेंज करके भी मेथड ओवरलोडिंग की जा सकती है, देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे इनको हम फ्लोट ले लेते हैं स्टूडेंट, एक में फ्लोट बना देता हूँ। केवल एक चेंजेस करने से भी मेरा काम बन जाएगा। यदि आप कोई एक भी पैरामीटर चेंज कर देते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको फ्लोट कर दिया, इसको इंटीजर कर दिया और वैल्यू को, अब मुझे आप पैरामीटर चेंज करके भेजना होगा, फ्लोट में वैल्यू भेजना होगा। 100 पॉइंट मान लीजिए 50 भेजा मैंने, और 100 पॉइंट और इसके साथ एफ भी देना होगा। आपको मालूम है बाई डिफ़ॉल्ट एफ हमको देना पड़ता है इसमें, और इसको मैंने सेविंग किया और यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया। ये देखिए a प्लस बी रिटर्न लॉसली इंक्रीज बाई द, क्योंकि हमने वैल्यू जो अभी चेंज किया है इंटीजर में, इसको हमने यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इंटीजर हो रही है। ये देखिए मैंने बोला था इंटीजर, ये सेम रिटर्न हो रहा है, इसकी जो वैल्यू अब आ रही है फ्लोटिंग में आ रही है। यहाँ पे जो हमको चाहिए फ्लोट चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट और सीधा मैंने प्रिंट किया, फ्लोट में वैल्यू प्रिंट होके आ गई 201.1। इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट हो गए। ये इसके पैरामीटर फ्लोट है और इसके इंटीजर है। मान लीजिए मैं एक इंटीजर कर देता तब क्या होता, एक पैरामीटर इंटीजर एक फ्लोट। अब देखिए क्या होगा, क्या ऐसे में कोई एरर आएगी? मिसिंग, जो पैरामीटर में यहाँ से भेज रहे हैं या फ्लोट में दे रहे हैं वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम, कन्वर्जन कर देगा वो, क्योंकि किसी भी छोटे डेटा टाइप को बड़े में आसानी के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर को इसने फ्लोट में कन्वर्ट किया, वैल्यू ओवरऑल जो रिटर्न हो रही है फ्लोट में हो रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर हमने चेंज किया है, एक इसमें इंटीजर और फ्लोट है, और इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसमें तीनों इंटीजर हैं। पैरामीटर कहीं ना कहीं डिफरेंस हुए, डेटा टाइप के आधार पर डिफरेंस हुए, इसलिए आसानी से मेथड ओवरलोडिंग हो गई। लेकिन C++ में जैसा कि रिटर्न टाइप चेंज करके मेथड ओवरलोडिंग की जा सकती है, लेकिन जावा में नहीं की जा सकती है। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कैसे। मान के चलिए इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ स्टूडेंट, फ्लोट ओके, और इसको भी मैं फ्लोट कर देता हूँ। और दो ही पैरामीटर करता हूँ या तीनों अलग अलग कर देते हैं। ओके, मान लीजिए फ्लोट है और ये भी फ्लोट है। ओके, ये भी फ्लोट, ये भी फ्लोट। रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे चेंज किया है, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर रखा है और इसका क्या है फ्लोट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैं यहाँ से पैरामीटर पास करता हूँ, इसमें भी मुझे फ्लोट वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैंने ये वैल्यू पास किया, इसको मैंने सेव किया। नो नो नो, इनकम्प्यूटेबल टाइप पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन ऑफ द फ्लोट इंटीजर। ये कन्वर्जन की प्रॉब्लम अभी बता रहा है, जो कन्वर्जन हमारा हो रहा है ये कह रहा है लॉस में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका क्या है, इंटीजर है फ्लोट है, चलो कोई बात नहीं, ये हमने फ्लोट बनाया है, इसको पूरा फ्लोट किया हुआ है पैरामीटर, ठीक है। और इसको मैं मान लीजिए डिफरेंस भी कर देता हूँ, इंटीजर कर देता हूँ। अब मैं इंटीजर का आपको बता रहा हूँ सेम, और इसको भी हम इंटीजर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
दोनों फंक्शन मैंने सेम कर दिया, पैरामीटर भी सेम, नेम भी सेम, सिर्फ रिटर्न टाइप मैंने चेंज किया। ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा किस में करेगा, फ्लोट में, और ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा किस में करेगा, स्टूडेंट, इंटीजर में। यहाँ पे पैरामीटर में इंटीजर कर देता हूँ। अब क्या पॉसिबिलिटी है ओवरलोडिंग की? नहीं, चूंकि मैं बता चुका हूँ रिटर्न टाइप चेंज करने पे जावा पे ओवरलोडिंग संभव नहीं है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सीधा सीधा एस वन मेथड क्लास एडर कैन नॉट बी अप्लीकेबल दिस टाइप, इस टाइप को ये अप्लीकेबल नहीं है। रिक्वायर्ड इंट इंट फाउंड इंट पैरामीटर डिफरेंस, एक तो यहाँ पैरामीटर अभी डिफरेंस था ये बताया, इसको सही कर देते हैं टू ही पैरामीटर। अब देखिए, ये देखिए सीधा चेंज किया मैंने, सेम कर दिया, सिर्फ रिटर्न टाइप मैंने अलग रखा है। ये देखिए अब सीधा बताएगा मेथड एडर एंट्रीज ऑलरेडी डिफाइन इन द क्लास एडर, ऑलरेडी डिफाइन है, यानी कि आप रिटर्न टाइप भर चेंज कर दें ऐसा संभव नहीं है जावा में। देखिए जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा मेथड ओवरलोडिंग हो सकती थी। ओके, यहाँ पे देखिए मेथड नेम सेम है, एड नाम का मेथड ये, एड नाम का ये, पैरामीटर सेम है, ए बी, यानी कि नाम कोई भी हो सकते हैं लेकिन दोनों इंटीजर हैं। नाम तो कोई भी हो सकते हैं लेकिन दो पैरामीटर हैं या दोनों इंटीजर हैं, सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज है। इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है और इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसलिए ये दोनों ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। इसमें मान लीजिए मैं कमेंट लगा देता हूँ, फिर देखिए प्रोग्राम को रन करता हूँ, एक मेथड ओवरलोडिंग को मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया और यहाँ भी लगा देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया स्टूडेंट, ब्रैकेट सेट, यहां पे हमको लगाना है, क्लास क्लोज हो गई थी स्टूडेंट, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग हम रन कर सकते हैं, फंक्शन में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसको चेक करना है तो इसको आप क्लोज करा सकते हैं, इस पे आप कमेंट लगा के देख लीजिएगा। मेथड मेरे दोनों सही हैं, सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्या डिफरेंस करके रखा है, सिर्फ रिटर्न टाइप में डिफरेंस रखा है, और जावा सिर्फ रिटर्न टाइप में मेथड ओवरलोडिंग को यूज नहीं करता है। या तो आपके पैरामीटर चेंज होना चाहिए या तो फिर आपका डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, यानी कि जावा में दो तरीके से ही मेथड ओवरलोडिंग की जा सकती है। ये देखिए दोनों हमारे मेथड चल रहे हैं, अलग अलग डिफरेंस लेने पे दोनों मेथड हमारे काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे दोनों मेथड सही हैं, सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं हो रही है। ओवरलोडिंग इसलिए नहीं हो रही, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया जावा में दो तरीके की ओवरलोडिंग ही पॉसिबल है, या तो डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होंगे या फिर उनके डेटा टाइप चेंज होंगे। हम रिटर्न टाइप को चेंज करके ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं जावा में, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, प्रोग्राम में चेंजेस करके दिखाया, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपको ओवरलोडिंग मैंने बताया, क्या मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है? क्या मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी दिखा रहा हूं। हमने यहाँ पे सिंपल सा मेन मेथड बनाया है और क्या इसको ओवरलोड कर सकते हैं फोर के नाम से, यानी कि मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही कई बार लिखा हुआ है। ये देखिए एक बार मैंने लिखा और इसको क्लोज किया, समझिएगा थोड़ा सा, फिर से मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा और इसको क्लोज किया, और फिर से मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, एक लाइन लिखा और इसको क्लोज किया। यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
हमने मेन मेथड को ओवरलोड किया हुआ है स्टूडेंट, सीधा मेन मेथड विथ स्ट्रिंग, ये देखिए मेन मेथड को ओवरलोड किया है, मेन मेथड विथ स्ट्रिंग, ये पहला जो हमारा ऑप्शन है वही हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ओवरलोड आप कर सकते हैं प्रिंट हमारा, क्योंकि ये स्टैटिक है विदाउट ऑब्जेक्ट के ये मेथड क्या हो सकता है, कॉल हो सकता है, ओके okay? और इसको ओवरलोड कैसे कर सकते हैं उस आधार पे आपको डिसाइड होगा ये। अब मान के चलिए मैं इसको हटा दूं, सीधा इसको मैं लेता हूं, थोड़ा सा चेंजेस क्या, अभी आपको शायद मैंने अरे नहीं पढ़ाया है, आगे हमारे पढ़ेंगे ये डिफरेंस आप देखेंगे। ये देखिए स्ट्रिंग, कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम, ऑलरेडी डिफाइन द क्लास मेन, मेन मेथड में ऑलरेडी ये क्लास आपकी क्या है, डिफाइन है, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, मेन मेथड, मेन मेथड ओवरलोड एंड टाइप प्रमोशन किस तरीके से आप कर सकते हैं ये आपको मालूम ही है, जो सबसे छोटा फिर कैसे इंक्रीज होता जाता है, एक्सपेंड करते जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम ओवरलोड कर सकते हैं मेथड को। कोई भी कैलकुलेशन का काम भी हम मेन मेथड से करा सकते हैं, जो भी आप कैलकुलेशन का वर्क कराना चाहें वो आप कैलकुलेट करा सकते हैं, सम ये आपको मैं बता ही चुका हूं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप मेथड ओवरलोडिंग यूज करिएगा, और यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग फिनिश होती हुई अब हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, यानी कि अब हमको जो पढ़ना है मेथड की ओवरराइडिंग पढ़ना है। ये शायद आप लोगों ने C++ में नहीं पढ़ा होगा, मेथड ओवरलोडिंग तो आपने पढ़ा रहा होगा लेकिन मेथड ओवरराइडिंग नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको जावा में बताऊंगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या कहलाता है जावा में। स्टूडेंट तो कल की क्लास हम लेंगे मेथड ओवरराइडिंग, आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।